20 पेट्रोल एलीट गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर आ रही है चेक इंजन लाइट। गाड़ी कंपनी के अंदर भी गई थी और कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी दीपावली से पहले। तो मेरे पास एक्चुअली स्पेशल टूल नहीं था। सीधे सीधे मुद्दे पे आएंगे भाई। तो ये ऑक्सीजन सेंसर की लाइट है, इसमें चेक इंजन लाइट जो आती है ना मीटर में, ऑक्सीजन सेंसर की वजह से आती है। और ऑक्सीजन सेंसर भी मैंने ओरिजिनल हुंडई का ही मंगा लिया है, भैया खुद ही लेके आए हैं। प्राइस देख लो 9039 रुपये का है, ठीक है ये वाला। अब ये गाड़ी हुंडई के डीलर पे गई थी और वहाँ जाने के बाद उन्होंने हल्का सा इसको चेक किया होगा, ये बोल दिया कि इसका मैनिफोल्ड चेंज होगा, ऐसे ही कहा था भैया। एक बार आप बताओ क्या क्या बोला था उन्होंने गाड़ी डीलर पे गई थी। उन्होंने दो चोरी खोला और कह रहे कि ये जाम है, पूरा मैनिफोल्ड बाहर निकालना पड़ेगा, गर्म करके निकालना पड़ेगा। उसके भी 50-50% चांस बता देते हैं कि गर्म करके भी 50% चांस है कि खुले, पूरा मैनिफोल्ड खुलेगा, कम से कम 45-50,000 रुपये खर्चा होगा। तो भैया से मैंने बात करी कि भैया बोले मेरे पास ही आओ, मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। तो अभी भाई फर्स्ट स्टेप है, सॉकेट भी हमारे पास ये रखी, ऑक्सीजन सेंसर भी आ गया है। अब मुद्दा ये है कि जो उन्होंने बताया, क्योंकि देखो ह्यूंडई कंपनी से आ गए तो हम जा नहीं सकते, जो कंपनी वालों ने बोला है हो सकता है वो भी हो जाए, पर हम मैनिफोल्ड चेंज नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो अभी पहले एक बार स्टार्ट करके गाड़ी में चेक इंजन लाइट दिखाता हूँ, DTC क्या आ रहा है वो दिखाता हूँ आपको कंफर्मेशन के लिए। वैसे तो कंपनी वालों ने बता ही दिया कि ये ऑक्सीजन सेंसर अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर उसका ख़राब है, ठीक है। और देखते हैं कि मैनिफोल्ड चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, थोड़ा सा बैटरी भी वीक है गाड़ी की। अभी देखो चेक इंजन लाइट आ गई है, ठीक है, इंजन के RPM और ये चेक इंजन लाइट आ गई। अभी स्कैन भी करते हैं ज़रा गाड़ी को। तो अभी देखो इसमें मैंने DTC पे क्लिक किया है दोबारा, तो ये 21-22 और ये जो आ रहे हैं थ्रोटल के आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं कि बैटरी जो है इसकी बहुत वीक है। और ये P0030 देखो H2O हीटेड कंट्रोल सर्किट Bank 1, मतलब ऊपर वाला ऑक्सीजन सेंसर इसका ख़राब है। अभी सर्च भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये देखो इसमें ऊपर वाला ही दिखा रहा है इसका, ठीक है ना। ये जो ऐप मैंने यूज़ किया हुआ है बहुत बढ़िया ऐप है, ये आपको सारी चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया, ऑक्सीजन सेंसर ही ख़राब है हमारी गाड़ी का अपस्ट्रीम। तो अभी ऑक्सीजन सेंसर को बदलते हैं। तो भाई ये क्लियर तो हो गया है कि इसका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है ऊपर वाला, ठीक है। आ जाओ ज़रा, अब वो लोकेशन कहाँ है वो मैं दिखा देता हूँ। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है ये, लाओ मुझे दे दो। इस लोकेशन पे है ये वाला, इस ऑक्सीजन सेंसर को हम खोलेंगे। अब महाभारत इस चीज़ का है कि उन्होंने ये बोल दिया है कि ये ऑक्सीजन सेंसर चूड़ी निकाल के लेके आ जाएगा साथ में मैनिफोल्ड की, फिर इसका मैनिफोल्ड ही चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चूड़ी भी निकल गई तो भी मैनिफोल्ड को चेंज नहीं करूँगा, उसमें चूड़ी बनवा के इसको फिट करवा दूँगा मैं। अभी पहले खोलते हैं ऑक्सीजन सेंसर को, और ये स्पेशल टूल है भाई, इससे ये 22 नंबर की सॉकेट लगती है इसमें, इससे इस ऑक्सीजन सेंसर को मैं खोलता हूँ पहले। अभी ये पुराना सेंसर है, इसको कैसे कन्फर्म करेंगे ख़राब है कि नहीं है, इसकी हम हीटर की जो वायर होती है उसके सर्किट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी इस पर आई तो ये सेंसर ओके है एक तरीके से, और अगर नहीं आई तो फिर ये ख़राब है। कोड तो इसका आ ही रहा है पर फिर भी हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है, हल्का सा नीचे लो। अब देखो मल्टीमीटर मैंने 20 पे यहाँ पे कंटिन्यूटी पे किया हुआ है, यहाँ दिखाओ मल्टीमीटर, ठीक है, और साउंड भी आ रहा है क्लियर। अब इस पे हम चेक करेंगे, तो इसकी किसी भी पिन पे कोई भी कंटिन्यूटी साउंड नहीं आ रहा, यानी ये सेंसर ख़राब है। अभी मैं आपको नए से कंपेयर करवाऊंगा, नए से चेक करवाऊंगा। ये देखो बीप साउंड सुनवाओ, इधर मल्टीमीटर की प्रोब, उसकी प्रोब भी दिखाओ, मल्टीमीटर की प्रोब भी दिखाओ, ठीक है, कंटिन्यूटी एकदम प्रॉपर है। तो भी इसको लगा देता हूँ मैं ऑक्सीजन सेंसर को।
ऑक्सीजन सेंसर बिल्कुल ओके निकला है, इसने कोई चूड़ी वूड़ी इसकी नहीं निकाली है, ठीक है, एकदम परफेक्ट निकल गया। अब इसको नए ऑक्सीजन सेंसर को हम इसमें लगा देते हैं। नया ऑक्सीजन सेंसर फिक्स कर दिया है और ये कनेक्टर भी लगा दिया है इसका। अभी स्टार्ट करके गाड़ी को चेक करेंगे जरा। तो अभी ऑक्सीजन सेंसर लगा दिया है, दोबारा DTC एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ये सारे आ रहे हैं, इनको कर देते हैं डिलीट। सिस्टम में कोई DTC नहीं है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। अब देखो गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने, और कंफर्म कैसे होगा तो ये देखो 745-44 ही RPM आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में इंजन RPM और वोल्टेज, ठीक है। और DTC दोबारा चेक करते हैं तो नो DTC इसमें शो हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीजन सेंसर ऊपर वाला ही ख़राब था और वो हमने बदल दिया। इसका मैनिफोल्ड बिल्कुल भी नहीं छेड़ा हमने, प्यार से खुल गया और प्यार से लगा दिया। अब ये पता नहीं कि वो हिंडई वाले या कंपनी वाले क्या क्यों ऐसा बोल रहे थे कि वो चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट है, कोई चेक इंजन लाइट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हो गया। और अभी इसका पीछे के बम्पर का एक रिफ्लेक्टर और टूट रहा है, वो भी लगा के फिक्स करके कर देते हैं गाड़ी को कंप्लीट। तो छोटी सी वीडियो थी जानकारी के लिए कि भाई थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले ही डर के अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलो फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।